आज हम आपको यूनिट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे, हालांकि आपको ने अपलोड उसको कर लिया है, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार हमारे साथ यहाँ देख लें और अपने पास जो भी हमने प्रोवाइड कराया है उसको दोबारा देख लें। जो टॉपिक्स इसके अंदर हैं वो मैं अपने हिसाब से डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला टॉपिक है सेंट्रल फोर्सेस। इसमें हमको जानना है कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हमें जानना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। पहले से हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बॉडी है उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। मिनिमम जो पार्टिकल्स की संख्या, जो सबसे छोटी बॉडी हो सकती है, वो टू पार्टिकल बॉडी हो सकती है। क्योंकि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा कंसीडर करेंगे तो उसको सॉल्व करना, उसको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। टू पार्टिकल्स को कंसीडर करके उसका फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद हम जनरलाइज कर सकते हैं उसको एन पार्टिकल्स के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेंट्रल फोर्स का जो बेसिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम रिड्यूस्ड मास की बात करते हैं, ये भी इसी टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से जुड़ी हुई चीज़ है। जैसे कि ये दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का मास m1 है और इसका m2 है दूसरे वाले का। इन दोनों को हम एक डिस्टेंस r के साथ सेपरेट होता हुआ मानते हैं। हाँ, ये दोनों सेम मास हो सकते हैं m1 equal to m2 equal to m हो सकता है। डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं। अगर वो सेम है तो इनके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर ये भारी है m1 m2 से, तो निश्चित रूप से सेंटर ऑफ मास m1 की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहां कहीं सपोज करते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस r1 है सेंटर ऑफ मास से m1 की, और ये r2 है। दोनों की मिला के जो डिस्टेंस है वो r1 plus r2 है। ये इसमें मोटे तौर पे, चूंकि हम आज इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं और साथ में सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ आपके माइंड में रिसीव हो, आपके मेमोरी में रिसीव हो, ये जरूरी नहीं है। एक बार हम इससे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, हम उसके बाद आगे के टॉपिक्स पढ़ते चले जाएंगे। तो चूंकि रिड्यूस्ड मास लिखा हुआ है, उसके बारे में बात करनी है। टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, टू पार्टिकल सिस्टम, पहले हम कंसिडर करें कि दो पार्टिकल का सिस्टम क्या होता है। बॉडी होती है और उसके साथ सेंट्रल फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे, तो ऐसे बनेगी टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, जिसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ओवरऑल व्यू, जो भी टॉपिक्स हैं उनको पहले हम करेंगे, उसके बाद ही सेंट्रल फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे। तो आपने देखा कि दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं। अगर हल्का है m2 m1 की तुलना में, तो सेंटर ऑफ मास का आइडिया आपको आपके 11 12th क्लास से होगा। ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम भी कभी आपकी तरह स्टूडेंट रहे हैं। क्या क्या हमने 11 12th में पढ़ा है, उसके बाद BSc में क्या पढ़ने को मिला है, उसका आइडिया है। क्योंकि हम पहले स्टूडेंट हैं उसके बाद टीचर हैं। मैं आपको स्टूडेंट बन के ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। हम बहुत हाई फाई बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हम हाई फाई नहीं बनेंगे, आपके लेवल में ही बात करेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे।
सपोज करते हैं इमेजिनेशन पावर फिजिक्स की तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट की होनी ही ठीक चाहिए, है नहीं पार्टिकल हमारे सामने, बट यू कैन कंसीडर वेरी इजीली दैट वी हैव टू पार्टिकल्स, उसकी एक फिगर बनाई अपने मेमोरी को हेल्प करने के लिए, एम वन मास है, एम टू मास है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर है, अगर उसमें एक भारी है और एक हल्का है तो निश्चित रूप से सेंटर ऑफ मास भारी वाले की तरफ होगा। अब सेंटर ऑफ मास से एम वन की डिस्टेंस आर वन हमने एज्यूम कर ली, सेंटर ऑफ मास से एम टू की डिस्टेंस आर टू हमने एज्यूम कर ली, तो निश्चित रूप से जो हमने डिस्टेंस आर मानी है साफ दिखाई दे रहा है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब दो पार्टिकल को मिला के एक बॉडी हम कहना चाहते हैं। अब दो पार्टिकल को एक पार्टिकल की तरह कंसीडर करना है, वी हैव टू रिड्यूस टू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या पार्टिकल सिस्टम इनटू वन। तो इसका अभी ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि रिड्यूस टू पार्टिकल सिस्टम इनटू वन विद ए रिड्यूस्ड मास, इसको हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे विद द मास, मास मींस रिड्यूस्ड मास, ये रिड्यूस होने का मतलब दो से घटके एक पार्टिकल या एक बॉडी की तरह हमने उसको कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, तो रिड्यूस्ड मास जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन जो बुक्स में दिया है वो म्यू से करते हैं और इसकी वैल्यू निकलेगी एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये अभी से रख लीजिए, ये डेराइव होकर जो आता है वो आता रहेगा क्योंकि इसका यूज हमें प्रॉब्लम्स में करना होगा, कहीं एच सी एल मॉलिक्यूल दे देंगे उसका एच का मास एम वन कह दिया, सी एल का मास एम टू कह दिया, तो हम इसको रिड्यूस्ड मास निकालना है तो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू अप्लाई करेंगे और सिंपली उसका रिड्यूस्ड मास निकाल के आ जाएगा। रिड्यूस्ड मास का सेंस यही है, यह है रिड्यूस्ड मास, इसका डेरिवेशन करके हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर एम टू के तुलना में एम वन छोटा होता तो ये एम वन मास है, ये एम टू है, एम टू भारी है, एम टू अरे मैंने उल्टा लिख दिया है, एम वन और एम टू, एम टू भारी है तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये आर वन डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से एम वन की, ये आर टू है, यहाँ फिर हमको एज्यूम करना होगा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और हर स्थिति में म्यू जो है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगर यही एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम कंसीडर करते तो ऐसी स्थिति में आप एम एम कंसीडर करते और इसका रिड्यूस्ड मास हो जाता एम वन एम टू दोनों की जगह एम एम, यहाँ एम प्लस एम वन प्लस एम टू की जगह एम प्लस एम, तो ये एम स्क्वायर अपॉन टू एम आता और इसके स्क्वायर कटता तो सिंपली एम बाई टू हो जाता। यानी अगर इस टाइप का सी एल टू मॉलिक्यूल का हमें रिड्यूस्ड मास निकालना है या एच टू का निकालना है या ऑक्सीजन का निकालना है तो ये सीधे सीधे m by 2 हो जाएगा, m1 m2 upon m1 plus m2 नहीं करना पड़ेगा। तो हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि टू पार्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल फोर्स तो हम उसके साथ मिक्सअप करेंगे जब हम कल के वीडियो में डिस्कशन लाएंगे। रिड्यूस्ड मास का क्या मतलब होता है, यही कंसेप्ट कुल मिला के निकल के आना है और जो केसेस बनेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट रहेगा तो हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये इसके बाद जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, माने जब हमने दो बॉडी को एक बॉडी में या दो पार्टिकल को एक पार्टिकल में रिड्यूस कर लिया है तो अब सेंटर ऑफ मास पे उस
रिड्यूस्ड मास का को सिचुएटेड हमें एज्यूम करना होगा, और उसका जो मोशन है सेंटर ऑफ मास मोशन, ये हम लोगों को बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको क्लियर होगा, इससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक नहीं है। रिलेटिव मोशन का आइडिया आप पहले से रखते हैं, मैं उसी के साथ डिस्कस करूंगा, एक आइडिया दे रहा हूं पूरे सिलेबस का। उसके बाद ये आपका 11th से पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हैं, इसको आप हमारे पढ़ाने से पहले आप स्वयं भी अपनी 11th 12th वाली बुक से पढ़ सकते हैं। ये कैसा टॉपिक है ये आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि सेंट्रल फोर्स को हाईलाइट किया गया है उसके साथ हम इसको एसोसिएट कर देंगे, बहुत आसानी के साथ ये टॉपिक आप कवर करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें ऐसा अभी तक कोई टॉपिक नहीं है जो डिस्क्रिप्टिव के लिए बड़े क्वेश्चन के लिए आए, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप के यूनिट सेकेंड में प्रॉब्लम है, सिर्फ टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है जो कि इसमें मेन है। उसके बाद केपलर्स लॉज भी आपने तीन पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम टाइम वेस्ट, वीडियो बड़ा हो जाता है आप लोग उसको कम देखते हैं, इससे बढ़िया है कि हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे तभी है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पर्पस है कि आपको जो सिलेबस हमारे सामने है यूनिट टू का, उससे आपको परिचित करवाना, इंट्रोडक्शन का मतलब ही है उस सिलेबस से का परिचय करवाना, ताकि आप बुक में उस चैप्टर को जब पढ़ना चाहें तो कुछ मोटे तौर पर आपको समझ में आने लगे। इसलिए ये हम हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना पसंद करते हैं। उसके बाद केपलर्स लॉज है, केपलर के जो लॉज हैं काहे से संबंधित हैं, ऑफ केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन करके आपने पढ़ा होगा, प्लानिटरी मोशन आपने, आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं या रोटेट करते हैं, हम इसमें स्पिन मोशन जो करता है उसको हम ज्यादा अभी कंसीडर नहीं करते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में करते हैं। तो इनको तीन लॉज में प्रेजेंट किया है केपलर ने, जिसको हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। पहला लॉ है, मैं आपको याद दिला दूं, आप पढ़ना घर में शुरू कर देंगे, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, माने एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट इट्स फोकाई, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट है, सन यही कहीं है, ये फोकाई कहलाती है, ठीक है। ये आपने 11th 12th में पढ़ा, जिसने नहीं भी पढ़ा है तो जब मैं बोल रहा हूं आपके पास 11th 12th वाली बुक हो सकती है, अगर नहीं भी है तो जो हमने बुक सजेस्ट करी है उसमें दिया है उससे पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में कोई चीज बदलती नहीं है। हाँ, एडवांसमेंट जरूर हो जाता है आगे की क्लासेस में, लेकिन बेसिक चीज कभी नहीं बदलती। तो अब ये करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये उन्होंने बता दिया, और सन कहाँ होता है, फोकस में होता है, ये तो सन और प्लैनेट के बारे में है। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स हैं जो सन की तरह बिहेव करते हैं और उसके अराउंड उनके अपने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ की तरह अब हम उसको मान सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है। सेकेंड लॉ जो है आपने पढ़ा है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको आप कहते हो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज, लॉ ऑफ मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, लॉ ऑफ एरियल, ए एरिया से
ऐसे एरियल वेलोसिटीज वेलोसिटीज। अब मैं याद दिला दूं, आप पहले से जानते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है, जैसे यहां से यूं जा रहा है। अब ये सपोज करते हैं यहां पे डेल्टा टी टाइम करता है, जब ये पास है, ये डिस्टेंस पास है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये जो उसके सर्कमफ्रेंस टाइप की चीज जो आप कर्व पे आप देख रहे हैं, जो भी पाथ का जो डिस्टेंस है, ये एरिया बनेगा उसके सन से प्लानेट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये लाइन हो गई, ये सन हो गया, ये प्लानेट हो गया, सन और प्लानेट को हमने मिला दिया जब यहाँ पे है, और किसी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा डेल्टा एस डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, और तब ये जो मिलाने वाली जो लाइन है सन और प्लानेट को, वो ये है। तो इसमें इसने जो एरिया स्वीप किया है वो ये है, इसी को, इस एरिया को आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कह सकते हो। और जब ये इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा दिया जाता है, तो छोटे इंटरवल के लिए हम यूज कर लेते हैं डी एस बाई डी टी, और उसी को एरिया को हमने एस की जगह पे, ये डेल्टा एस तो डिस्टेंस थी, ये एरिया की बात लिखी जा रही थी, तो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट, ये नॉर्मल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं है बल्कि एरिया स्वेप्ट डिवाइडेड बाय टाइम, इसलिए इसको कहते हैं एरिया वेलोसिटी। तो इन्होंने कहा कि इक्वल जब भी ये मूव करेगा, पूरा एक चक्कर लगाते हुए हमने स्टडी करें, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ये स्वीप करता है, ऐसा हम इसमें समझ सकते हैं। अब जब दूर है तो ये डिस्टेंस तो कंफर्टेबल करता है, लेकिन ये जो सन और प्लानेट को मिलाने वाली जो लाइन है वो लंबी होती है, और इस तरीके से यहाँ पे एरिया जो भी स्वीप करेगा इसने डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वो ये होगा, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका डेरिवेशन भी हम लोग करके देखेंगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम अननेसेसरी वो टॉपिक्स इतने डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूं, तभी तो हमारा सिलेबस बहुत लाइन पे चल रहा है, और मैं बहुत सही समय पे इसको फिनिश करूंगा ताकि रिवीजन का और प्रॉब्लम्स करने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये दूसरा लॉ है, और तीसरा लॉ जो है टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और जो डिस्टेंस है उसकी उसके बीच में है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, या टी इक्वल टू के आर टू द पावर थ्री बाई टू, इस तरीके से आप मानते हो। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हमने आर रिप्रेजेंट किया है, उसका होल क्यूब, उसके जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का, यानी एक चक्कर सन के अराउंड प्लानिट को लगाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है, वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ये तीन केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है, इसी में मोशन ऑफ प्लानिट्स, साथ साथ में इसमें लिखा हुआ एंड सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के भी एक नियम कानून है जो कि केपलर्स लॉ से जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग को इस सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस करना। एक जो लास्ट टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आपने समझ गए होंगे कि इसमें टॉपिक है सेंट्रल फोर्सेस, उसके बाद टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट उसी से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव और सेंटर ऑफ मास मोशन का क्या मतलब है, उससे रिलेटेड क्या फिजिक्स है, ये हमारे सिलेबस में है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, आप न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही आपके सिलेबस में है, लेकिन सेंट्रल फोर्स का एक एग्जाम्पल है, हमको उस एंगल से उसके साथ कनेक्ट करके डिस्कस करना होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े से प्रयास में आप इसको कनेक्ट करके समझ जाएंगे। उसके बाद केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन है जो कि आपके पढ़े हुए हैं, ये बहुत मतलब एक तरीके से आसान सी यूनिट है,
और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है। तो थोड़ा सा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का और आपको समराइज कर दूं और उसके बाद हम सीधे सीधे सेंट्रल फोर्स, जिसके बारे में हम जानबूझ के अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, तो हम जानबूझ के और सेंट्रल फोर्स को छोड़ के और सब डिस्कस करते चले जा रहे हैं, तो इसको हम पूरे तरीके से अभी डिस्कस करेंगे जो कि डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या मतलब है ये आपके माइंड में बैठाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है इसी वजह। आप ये जानते हो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के अराउंड, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट जिसमें से एक एग्जांपल अर्थ भी है रिवॉल्व करती है, वैसे ही अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। नेचुरल जो हमारा प्लैनेट है वो मून है, अर्थ का जो नेचुरल प्लैनेट है वो मून है। इसके अलावा जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बहुत सारे आप नाम सुनते होंगे, इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लगातार लॉन्च करे हैं और इसमें इंडिया की अपनी एक धाक भी है। आप सोच सकते हैं कि ये कैसे अर्थ अपनी एक्सिस को रोटेट भी करती है, रोटेट भी करती है अपनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अराउंड। तो अब यहीं पर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, समुद्र में समुद्र है, पानी भरा हुआ है, हम सपोज करते यहाँ रह रहे हैं, सैटेलाइट हमने किसी ऑर्बिट में फिक्स किया है, घूम रहा है, अब ये किसी भी स्पीड से घूमेगा, घूम रहा है तो वो क्या हमारे सामने से उझल हो जाएगा, हमने कहीं फिक्स किया है, तो हम कैसे हम ही यूज करेंगे उस सैटेलाइट को, ये देखिए। अगर हमारी अर्थ 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है, जो हमारी स्पिन मोशन है, अगर 24 घंटे में ही सैटेलाइट भी रिवॉल्व करे, ऑर्बिट में स्थित हुआ, वो भी घूम रहा है और हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, जैसे जैसे सैटेलाइट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। अब मेरा हाथ यूं तो घूम के यूं तो आ नहीं जाएगा, मतलब ये घूमते हुए जब ये चक्कर लगाते हुए आएगा तो उसी तरीके से ये करता जाएगा, जैसे यहाँ से हमने शुरू किया और ये सैटेलाइट है, ये सामने हमारी चौक है, ये इंडिया है, और ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, 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 घूमा। तो जब ये अर्थ के रिलेटिव, अर्थ तो घूम ही रही है साथ साथ में सैटेलाइट भी घूम रही है, उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स हो जाए, 24 आवर्स में वो पृथ्वी का चक्कर लगा ले और किसी पर्टिकुलर हाइट पर उसको हम निश्चित रूप से रखेंगे। जब ये टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड से मैच करेगा तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी प्रतीत होगा, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी, जियो माने अर्थ, अर्थ के रिलेटिव जब वो स्टेशनरी प्रतीत हो तो वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा, यानी कि पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ when equals the period of revolution of the artificial satellite it becomes an a geostationary satellite। ये geostationary satellite से संबंधित है। जब ये मामला आ गया सामने तो आपने पढ़ा होगा, इसमें orbital velocity आती है, उसकी energy होती है, potential energy होती है, kinetic energy होती है, जो हिंदी medium वाले जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऑर्बिटल वेलोसिटी को कच्छी वेग कहते हैं, एसके वेलोसिटी भी पढ़ी होगी जिसको पलायन वेग कहते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं बच्चे। और भू स्थिर, जियो स्टेशनरी का मतलब भू स्थिर सैटेलाइट को क्या कहते हैं, उपग्रह, जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं वो भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाते हैं, ये इसका सिलेबस है। तो आप बहुत आसानी से
सिक्स और सेवन पीरियड्स में वीडियो लेक्चर्स में ये यूनिट खत्म होगी, यानी हमारा 50% के लगभग 50% के लगभग सिलेबस कंप्लीट होगा। और मैं बता दूं आपको, अगर ऑब्जेक्टिव आता है पेपर तो भी ये जो हमारी यूनिट सेकंड खत्म हुई है उससे कुछ मतलब 25% से ज़्यादा आता है, इसमें थोड़ा सा कम आता है, कुल मिला के दोनों से मिला के 50% पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीधे सीधे पढ़ते हैं सेंट्रल कोर्सेज क्या होते हैं। चलिए सेंट्रल कोर्सेज, अगर यहाँ पे लाइव क्लास हो रही होती तो हम आप लोगों में से पूछते, बहुत से बच्चे जानते भी हैं सेंट्रल कोर्सेज क्या होता है, लेकिन हम ये मानते हुए कि आपको नहीं पता है मैं पढ़ा रहा हूँ। एक ये फिक्स पॉइंट एज्यूम कर लीजिए और एक पार्टिकल कहीं भी एज्यूम कर लीजिए, मैं यहाँ पर बनाना उचित समझ रहा हूँ ये पार्टिकल। इस पार्टिकल पे फोर्स अगर इस तरीके से लगता है आइदर टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, मतलब इधर की ओर खिंचाव महसूस कर सकता है या रिपल्सन महसूस कर सकता है, और अगर पार्टिकल की डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से आर है तो फोर्स सेंट्रल की जो डेफिनेशन है अब मैं सुनाता हूं। इफ व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, भाई पार्टिकल है उस पर फोर्स लगेगा, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन सच ए वे दैट इट एक्ट्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, माने जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओनली, सिर्फ आर पे डिपेंड करता हो, तब ये जो फोर्स है उसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन सच ए वे दैट इट एक्ट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। ये सिर्फ आर का फंक्शन है, एफ आर इक्वल टू हम इक्वल में यहां पे उसका मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, ये वेक्टर के रूप में आर है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल फोर्सेस का, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, वो वर्ड्स में जो हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स रिप्रेजेंटेशन तो हमने शब्दों में सुना सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या है। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन सच ए वे दैट इट एक्ट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। मैथमेटिकली सेंट्रल फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर इक्वल टू एफ आर आर कैप, वेयर आर कैप इज द वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर वेक्टर अलोंग आर। आप जानते हो जो हमारा जो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है, एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन हो चुका है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तीन डायमेंशंस हम मानते हैं स्पेस को, और उस तीन डायमेंशंस को पढ़ने लिखने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि थ्री
all the three axes are mutually perpendicular to x axis each other. I cap representation होता है यूनिट वेक्टर का x एक्सिस के along, j cap होता है y एक्सिस के along और k cap होता है यूनिट वेक्टर along z एक्सिस. ऐसे ही अगर हमने कोई x y z एक्सिस की बात नहीं करी, अब जो r जो उसको पार्टिकल को फिक्स पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है तो हम उसी के along लगना है, तो R के along हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया है. तो इसको F को स्मॉल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ आर इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स. मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही होता है, तो हमने बिना उस पर एरो लगाए हुए मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स. और आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को उसके साथ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर हो जाता है. जैसे कि आर कैप को लिखने का तरीका ये भी होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, ये भी कहते हैं. अगर हम मॉड ना भी लगाएं तो ये भी तरीका होता है वेक्टर अपॉन, सिंपली लिख दीजिए एरो नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड ही हो गया, मॉड ही हो गया. चाहे आप ये लिखिए ये भी सही है, ये लिखिए ये भी सही है, लेकिन मॉड लगाओगे तो वेक्टर पर मॉड लगाओगे. ये होता है वेक्टर लिखने का तरीका. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको रट लो. एग्जाम में लगभग मतलब हर बार पूछा जाता है. ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. यानी कोई भी फोर्स जो कि किसी पार्टिकल पर लगता है और इस प्रकार से लगता है कि या तो उस फिक्स पार्टिकल पॉइंट के तरफ लगता है या उससे दूर की ओर लगता है, और उसका जो परिमाण है सिर्फ पार्टिकल की उस निश्चित बिंदु से, फिक्स पॉइंट का मतलब निश्चित बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है, तो वो सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल कहलाता है. इस तरीके से आप समझ सकते हो. ये तो एक जनरल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो ट्रेडिशन है एक तरीके से जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसमें सेंट्रल फोर्स लिखने का तरीका होता है एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू द पावर एन. के एक कांस्टेंट है और आर इन जनरल डिस्टेंस के लिए जाता है, के आर टू द पावर एन. ये हम यहां पे वेक्टर हटा सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू दी पावर एन, ये रिप्रेजेंटेशन होता है. इसमें ये जरूर कहा गया है कि अगर एफ आर लेस देन जीरो है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा. दो टाइप के फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. एफ आर इज ग्रेटर देन जीरो तो ये रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है. ठीक है, माने फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव में निकल के आता है तो वो आकर्षण या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, पॉजिटिव निकल के आता है तो वो रिपल्सिव या प्रतिकर्षण बल के नाम से जाना जाएगा. ये बहुत सरल सी बात है. दूसरी बात मैं और समझाना चाहता हूं. ये तो हमने लिख लिया है कि इसका मैग्नीट्यूड एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू द पावर एन कहा जाता है, और इसी को का नाम जो आपको बुक में मिलेगा एनथ पावर लॉ. एनथ पावर, एनथ पावर लॉ. कुछ और चीज भी बुक में आपको मिलेगी कि जो ये कांस्टेंट हमने लिया है, कांस्टेंट अगर के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है तो वो माइनस में ही रहेगी ये वैल्यू. यही तो छोटी छोटी चीजें हैं ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं. के अगर पॉजिटिव, यहां उल्टी बात होगी, के पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, अगर के नेगेटिव है, ये दो केसेस हैं, के इफ के पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्टिव रहेगा, इफ के नेगेटिव तो ये
रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। ये हमने सारी बातें बता दी, पहली बेसिक ये याद रखिए, इसका मैग्नीट्यूड इन जनरल जो है हमारा यही फाइनली कहा जाता है। ये तो एक जनरल जो है एक तरीके से बेसिक डेफिनेशन वाला है इक्वेशन, ये उसके मैग्नीट्यूड की जो डिपेंडेंस नेचर में एग्जिस्ट करती है उससे संबंधित है। अब मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं, क्योंकि नेचर ने जो सेंट्रल फोर्स जो फोर्सेस प्रोवाइड करे हैं इस सृष्टि को इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, ये सेंट्रल फोर्सेस के जिम्मे सौंपा गया है कि ब्रह्मांड चले बाहरी वर्ल्ड, लेकिन जो सीक्रेट वर्ल्ड होता है उसमें यूनिवर्सल पे ये सेंट्रल फोर्स लागू हो ये जरूरी नहीं होता है। मैं अभी समझाऊंगा। आपने जाना कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बहुत सारी हेवनली बॉडीज से मिलके जो हमारा स्पेस है वो भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे सन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, दूसरे सोलर सिस्टम हैं, गैलेक्सी हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इस तरीके से हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन इस तरीके से है, हम उसकी लिमिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते। जैसे जीरो और इन्फिनिटी को डिफाइन करना मैथमेटिकली डिफिकल्ट है, वैसे ही हमारे लिए पहुंचना भी फिजिकली असंभव सा है कि हमारा इस यूनिवर्स का फैलाव कहां तक है। मैं इसको ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मा जी ने या नेचर ने या भगवान ने ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो प्रोवाइड करे हैं वो सेंट्रल फोर्स है। एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है। ये काहे का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये है एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द नेचर, फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द नेचर, प्रोवाइडेड बाय द नेचर। दूसरा जो है इलेक्ट्रो, ये किसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, बिटवीन द टू मासेस, जिसमें आप बता रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ते हो, वो सेंट्रल फोर्स का ही एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, जैसे मास एक नेचर ने फैक्ट प्रोवाइड करा दिया है, वैसे चार्ज भी एक फैक्ट प्रोवाइड कराया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस, इसमें कूलम्स ला आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा F=gm1। मैग्नीट्यूड से बता रहा हूँ मैं, वैसा वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये आर स्क्वायर। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस होता है, वन अपॉन अगर क्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लग जाता है, इन जनरल 1/4πε(q)/q³/r²। जैसे हमने कहा nth पावर लॉ ऑफ फोर्स हमने बताया था, लेकिन ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कहलाते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, है ना, लॉज ऑफ फोर्स, ये भी है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, ये भी है, दोनों ही है, और यही सृष्टि को चलाने के लिए नियम मौजूद हैं। भाई ब्रह्मांड किससे बना है, बड़ी बड़ी बॉडीज से, जिसमें सन है, सन जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं, और हर स्टार या सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, हर प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, और इन सब की जो व्यवस्था है
ये सब होने होते रहने के लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम को न्यूटन ने पहचाना था और उसका एक लॉ सामने प्रस्तुत किया था जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं, और उसका जो मैथमेटिकल जो जो रूप है वो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट माने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं, और दो मासेस के बीच में लगता है तो एक मास एम वन है एक दूसरा मास एम टू है, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है, इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो ये बना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरी बात ये है कि हर हेवनली बॉडी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और पदार्थ के जब हम बारे में जाने हैं तो हमें पता है कि छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ पदार्थ होता है, और पदार्थ में जो एटम होता है, हर पदार्थ में एटम्स हैं, और उस एटम में भी एक न्यूक्लियस होता है, उनके मॉडल्स आपने पढ़े हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इनकी व्यवस्था बनाए रखने में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस का नियम है जो कि कूलॉम ने दिया था, जो कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए है। अगर दो चार्जेस हैं, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस का चार्ज Q1 हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया, तो Q को हम Q1 को ZE लिख देते हैं और दूसरे चार्ज को ZE लिख देते हैं, और इस तरीके से उस फॉर्मूले में इस्तेमाल करके हम उसकी व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी नेचर ने प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ये भी सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। यही बुक में आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं बुक सामने रखी हुई मैं देख रहा हूँ। ये तो इन्होंने समझाया है एफ के बारे में, सेंट्रल फोर्स के बारे में एग्जाम्पल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लिखा हुआ है, एक तीसरा एग्जाम्पल और है। तीसरा एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक बार इस फॉर्मूले को आपको याद दिलाना चाहूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होता है, ये भी आप जानते हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो चार्जेस के बीच में, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो जब ये लिखा हुआ है एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू दी पावर एन, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें एन इक्वल टू टू, तो ये हो जाता है एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका नाम पड़ जाता है इनवर्स, क्योंकि स्क्वायर में है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स तभी कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस हो और चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के नाम से जाने जाते हैं दोनों, स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा कि F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो जी एम वन एम टू की जगह पे हम K लिख सकते हैं, K इक्वल टू जी एम वन एम टू विद माइनस साइन, क्योंकि इसमें माइनस हम लगाते हुए दिखाते नहीं है, तो वही चीज हो गई है इनवर्स स्क्वायर। इसी तरीके से जो चार्जेस के बीच में हमने लिखा एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव के लिए पॉजिटिव रहेगा और रिपल्सिव के इसमें के अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू, दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चूंकि क्यू हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, मास एक ही टाइप का होता है, चार्जेस दोनों टाइप के होते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव
अट्रैक्टिव, समटाइम्स इट इज रिपल्सिव। ये भी आप जानते हैं कि अट्रैक्टिव कब होता है, रिपल्सिव कब होता है। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, दो नेगेटिव चार्ज के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ऐसा आप जानते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स में है, इनको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, यू कैन रीड योर सेल्फ। अब आता है तीसरी बात, आप एक एग्जांपल और देख लीजिए, यही एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू दी पावर एन में केस सेकंड है। केस सेकंड में जो नेचर में एडजस्ट करता है वही एग्जांपल्स बनते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं। केस सेकंड जो है उसमें n इक्वल टू माइनस वन रख दिया, तो यही हो जाएगा एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू दी पावर माइनस वन। तो माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू आर टू दी पावर वन, या एफ आर इक्वल टू के आर माइनस के आर। आपने वन डायमेंशनल मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ी है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, क्या उस जैसा नहीं है? बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आप रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हो जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये भी एक सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। तो जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो फोर्स रिस्टोरिंग लगता है वो सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। जो जनरल फॉर्मूला हमने ये लिखा हुआ है, अंतर क्या है कि n इक्वल टू हम माइनस वन उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक बेसिक मोशन है इस सृष्टि को चलाने के लिए। हम दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी का नाम ले सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को चलाने का जिम्मा ले रखा है, तो उन्होंने बस ये फोर्सेस प्रोवाइड कर दिए। ज़्यादातर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, इन्हीं से सब इस सृष्टि की जो है क्रिएशन हुई है, ऐसा हम मान के चलते हैं। जो पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेट ही करते रहते हैं। वाइब्रेशन के बिना कोई चीज़ रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में होती ही रहती है। नहीं ट्रांसलेशन मोशन होगा, नहीं रोटेशनल मोशन होगा, वाइब्रेशनल मोशन ही होगा। हाँ, ये सब चीज़ें खत्म होती हैं तब जब एब्सोल्यूट जीरो हम अचीव कर लेते हैं, जो कि एब्सोल्यूट जीरो को अचीव करना आसान नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब टेम्परेचर ऑफ -273.15 केल्विन। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्प्रिंग को आप लटका देते हो और इसमें जो है ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल पे भी आप बना के दिखा सकते हो। यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस के वाई लिख सकते हो, वाई डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। यही सब कुछ इसमें दिया हुआ है, यही आपको आपको पढ़ना है। मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद बस 4-5 मिनट में आपका पूरा ये सेंट्रल फोर्स खत्म होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे, है ना? ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये भी एग्जाम्पल आपके जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, एडवांस नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में लगता है, न्यूक्लियर फोर्स ये एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू दी पावर एन से, जो इंटीजर के रूप में एन है वो यहाँ इसमें यूज नहीं होती है, और ये न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स बताया गया है। ये एक रहस्य है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ नॉन सेंट्रल फोर्स कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने ज्यादातर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
वो भी सेंट्रल फोर्स होता है, किन्हीं दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो भी सेंट्रल फोर्स होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं कि वो नॉन सेंट्रल फोर्स है। एक बात और बताना चाहता था मैं कि इस जो फिजिक्स में सिर्फ चार टाइप के फोर्स डिटेक्ट किए हैं न्यूक्लियस के अंदर से लेके पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ चार टाइप के इंटरेक्शन, फोर्स को इंटरेक्शन भी कहते हैं, ओनली फोर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रिएटेड यूनिवर्स, फोर इंटरेक्शंस। ये एक अलग से जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए फोर इंटरेक्शंस, फोर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, फोर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, प्रोवाइडेड बाय द नेचर। इसमें एक है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो कि आपके इस चैप्टर का हिस्सा है, और इस चैप्टर का हिस्सा तो ये भी है क्योंकि सेंट्रल फोर्स ये भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं एक एग्जांपल, एक बात और क्लियर कर दूं, जो किन्हीं दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लगते हैं वो भी सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, किन्हीं दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में लगता है दो मैग्नेटिक फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और अब एडवांस लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अकेला नहीं बोला जाता है, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जुड़ी हुई चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन चूंकि रिवॉल्व करता है उसी की क्रियाएं, आवागमन, ट्रांसफर से सारा रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहना ज्यादा अच्छा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो दो ये हो गई, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो कि न्यूक्लियस में होता है, ये नॉन सेंट्रल न्यूक्लियस। एक चौथा और डिटेक्ट हुआ है जिसको वीक इंटरेक्शन कहा जाता है, वीक इंटरेक्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी लगता है, जो हिग्स बोसोन की अभी जो डिस्कवरी हुई थी, जिनको गॉड पार्टिकल का नाम ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने दे रखा है, वहां पे वीक इंटरेक्शन की थ्योरी द्वारा उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। बस इतना ही आपके लिए जानना सफिशिएंट है, और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम सेंट्रल फोर्स पढ़ रहे हैं उसके थोड़ा बहुत दाएं बाएं जानना जरूरी होता है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट की नॉलेज ठीक से होने के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए दाएं बाएं का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, एनालिसिस अच्छे से हो जाती है। अब मैं जो फीचर्स हैं, चार पांच फीचर्स हैं, उनके नाम बता के काम खत्म करता हूँ और यही वीडियो खत्म करता हूँ। इम्पॉर्टेंट फीचर्स, आप सेंट्रल फोर्स जान गए, एग्जाम्पल जान गए हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, नंबर वन, इसको समराइज करके हम बता रहे हैं, पहला तो वही उसकी डेफिनेशन है, एफ इक्वल टू एफ आर आर है, एफ इक्वल टू एफ आर आर है। दूसरा है, ये बाद में हम समझाएंगे आपको, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको हिंदी वाले संरक्षी बल कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको हम लोग फर्स्ट यूनिट में कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कि जब भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन होती है, व्हेन मोशन टेक्स प्लेस अंडर
सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस व्हेन मोशन टेक्स, तो इन्होंने बताया कि टॉर्क जो है उस पर जीरो लगता है, यानी डीएल बाई बी टी, टॉर्क डीएल बाई बी टी हम पढ़ा चुके हैं, ये इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसको हम और कह सकते हैं एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्वेटिव इन द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्वेटिव, मोमेंटम कोणीय संवेग, ये एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कोणीय, कोणीय संवेग, संरक्षित रहता है। एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व, कंजर्व्ड, ये होता है एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड व्हेन मोशन टेक्स प्लेस अंडर सेंट्रल फोर्सेस, ये अप्लाइड है। चौथी बात ये है जो आपने कैपलर्स लॉज में पढ़ी थी, एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी उसके मतलब फीचर्स में है, एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। इनको हम लोग जब वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं कैपलर्स लॉज, उस समय हम उसको और क्लियर करेंगे रिमेंस कांस्टेंट। ये छोटी छोटी जी बातें हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करने में आसानी होगी। पांचवी बात है वो ये है कि मोशन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस ही है, मोशन टेक्स प्लेस अंडर सेंट्रल फोर्स, तो इसमें जो है एक बात और बच गई रह गई है, मोशन टेक्स प्लेस इन प्लेन, मोशन टेक्स प्लेस प्लेस इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब आते हैं ना कि एक ही तल में गति होती है, यानी कि टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तीसरी डायमेंशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ये इतना आपका सेंट्रल फोर्स के लिए बताना सफिशियंट है आपके सिलेबस के डेप्थ को ध्यान में रखते हुए। मैं कुछ थोड़ी सी शुरुआत करूंगा, इनमें थ्योरम्स दी हुई हैं, अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, थ्योरम बस हम सुनाई दे रहे हैं। पहली चीज, पहली थ्योरम है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, जो कि हम फीचर्स में रख चुके हैं। दूसरी, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स द मोशन टेक्स प्लेस इन ए प्लेन, ये भी हम फीचर्स में कर चुके हैं, उसी पे एक थ्योरम है प्रूव करने के लिए। चौथी है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये नई बात है जो कि हम इसी फीचर्स में भी जोड़ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जब भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति होती है तो इसमें एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, एक थ्योरम ये है। इसमें दो बातें जो है और करनी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हम टू पार्टिकल बॉडी सिस्टम के साथ इसको कपुल कर लेंगे कि जब सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति होती है ये कंजर्वेटिव होता है, ये हमने कह दिया, लेकिन हमें प्रूव करना होगा कि सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव। और दूसरा एक उससे जुड़ी होती बात, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, इन दोनों को हम कराएंगे। और मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अब आप अपनी प्रैक्टिस करिए, बुक से पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।